ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का आज के अत्यंत महत्वपूर्ण दिन श्री राम नवमी पर आपका स्वागत है। आज हम भगवान राम के जीवन से, रामायण से कुछ महत्वपूर्ण विषय समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास समय थोड़ा है, लगभग 20 मिनट, उसके बाद में महामंगल आरती रहेगी और उसके बाद में सभी भक्तों के लिए प्रसाद रहेगा। तो प्रसाद ग्रहण करने से पहले हम भगवान की कथा का अमृत ग्रहण करेंगे। भगवान का प्रसाद भी अमृत है, भगवान की कथाएं भी अमृत है, भगवान का नाम भी अमृत है। तो समय के अनुसार हम जितना आज की कथा में हम कवर कर पाएंगे उतना प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। रामायण में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आता है जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कलयुग में आज की जो सभ्यता है और वैदिक सभ्यता जो थी भगवान राम के समय में, उसके मूल्यों में बहुत अंतर है। लॉट ऑफ डिफरेंस इन वैल्यूज इन वैदिक लाइफ एंड इन मॉडर्न लाइफ। उस समय जो मूल्य थे और आज के सभ्यता में जो मूल्य हैं, उसमें बहुत अंतर है। जैसे उदाहरण के तौर पर आज हम जानते हैं मनी इज स्वीटर देन हनी, कहावत है। पैसा जो है हनी, शहद से भी ज्यादा मीठा लगता है। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है, कलयुग। जरा वैदिक सभ्यता देखिए, एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है जिसके द्वारा हम कुछ समझ सकते हैं। एक बार क्या हुआ, विश्वामित्र मुनि
जंगल में तपस्या कर रहे थे, एक बड़ा हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन कुछ राक्षस वहां पर आकर के उनके हवन को, उनके यज्ञ को, उनकी तपस्या को भंग कर रहे थे। तो विश्वामित्र मुनि जो हैं वो एक मुनि थे, साधु थे, एक ब्राह्मण थे, उनके पास में बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन उन्होंने उस शक्ति का प्रयोग उन दुष्ट राक्षसों को मारने के लिए नहीं किया, क्योंकि ये साधु का काम नहीं है, ये ब्राह्मण का काम नहीं है, ये काम है क्षत्रिय का। इसलिए विश्वामित्र मुनि कहां पर गए, कौन बताएगा? महाराज दशरथ के पास पहुंचे। उन्होंने महाराज दशरथ से क्या निवेदन किया? राम और लक्ष्मण उनके साथ कुछ दिनों के लिए भेज दें। तो उस समय में महाराज दशरथ एक बड़े महत्वपूर्ण सभा में व्यस्त थे, और उस समय में विश्वामित्र मुनि जो है सभा में पधारते हैं। जैसे ही विश्वामित्र मुनि वहां पर आए सभा में, महाराज दशरथ ने बड़ा भव्य स्वागत किया, आसन पर विराजमान किया और एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया। वो कहते हैं, अहिष्टम यत्तत् पुनर्जन्म जाया। वो कहते हैं, हे विश्वामित्र मुनि, आप जिस कार्य के लिए तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, आपने जो अपना जीवन इस प्रकार से लगाया है, पुनर्जन्म जाया, क्या आपको पुनर्जन्म के ऊपर विजय की प्राप्ति हो गई? जैसे क्षत्रिय जो है दुश्मन के ऊपर विजय की प्राप्ति करता है, लेकिन मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है सभी मनुष्यों के लिए, एवरी ह्यूमन बीइंग, टू कॉन्कर ओवर बर्थ एंड डेथ। पुनर्जन्म के ऊपर अगर हम विजय प्राप्त नहीं करते हैं, ये मनुष्य जीवन हमारा बेकार है। वी हैव नोइंगली कमिटेड सुसाइड, क्योंकि मनुष्य जीवन मात्र में हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, दशरथ महाराज ने नहीं पूछा आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी वेल्थ कैसी है, ये सब नहीं पूछा। आजकल लोगों का यही विचार है, लोग क्यों आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, आप सब भक्तों का तो कितना आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट है, पूरा हॉल भरा है, भक्त लोग खड़े हुए, तो आप सबको हार्दिक प्रणाम करता हूं। अन्यथा कलयुग में लोगों को भगवान के विषय में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर एक पॉलिटिशियन आ जाए, लाखों लोग वहां पर जमा होंगे।
हमें क्या मिलेगा, क्या अनाउंसमेंट होगा, इलेक्शन में क्या मिलेगा, है ना। एक बड़ा अभिनेता आ जाए तो शायद लाइन लग जाएगी, ऑटोग्राफ। लोगों का इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, भगवान की कथाओं में, भगवान के विषय में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, हम इस विषय के द्वारा समझ सकते हैं पूरी सभ्यता, उसके अंदर में ये जागरूकता थी कि मनुष्य जीवन किस लिए बना है। आज अगर हम जाते हैं, मैं कई बार ये अपना जो है विषय बताता हूँ। एक बार मैं एक सज्जन व्यक्ति के पास में गया और उनको बता रहा था, आप मंदिर आइए, भगवान के नाम का जप कीजिए। स्वामी जी, भगवान तो मेरे हृदय में है, राम नाम का जप चलता रहता है, मंदिर आने की क्या ज़रूरत है। और कह रहा था, अभी आपकी उम्र, उस समय में मैं लगभग शायद 27 या 28, 27 से 28 साल का था। स्वामी जी, ये जो आपकी अभी आयु है ना, उम्र है, ये जप करने की नहीं है, ये पैसा की है। जब बाद में बुढ़ापा आ जाएगा तब कर ले, बहुत समय पड़ा है। लोग ऐसा सोचते हैं। ये कलयुग का वैल्यू सिस्टम है। जैसे मुझे स्वयं याद है, मैं जब कॉलेज में था तो हमारे समय में तो ये 100-200 चैनल नहीं हुआ करते थे, एक डीडी लाइव आता था और उसमें कुछ मूवीज आती थी, हम लोग जो है देखते थे। तो पिताजी बड़ा गुस्सा करते थे, बेटा पढ़ाई नहीं करनी है क्या, क्या सारा दिन सिनेमा में लगा रहता है। और कुछ समय के पश्चात जब मैं कृष्णा भावनामृत में आया और भगवान के नाम का जप करने लगा, तो ऑटोमेटिकली उन सब चीज़ों से रुचि चली गई। तो प्रैक्टिकली 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए और मैं टीवी खोल करके देखता भी नहीं था। तब पिताजी पूछ रहे हैं, बेटा क्या हो गया, एक तो देख ले। पहले अगर मैं हफ्ते के अंदर में 3 मूवी आती थी तो तीनों देखता था, तो अभी पिताजी कह रहे, बेटा एक तो देख ले। ये कलयुग का वैल्यू सिस्टम है। लोग भौतिकतावाद में डूबे हुए हैं, उनको अगला जन्म क्या होता है कुछ पता नहीं। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनः आगमनो भवेत्, घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। अभी रिसेंटली मैं जयपुर से दिल्ली जा रहा था भगवान के कुछ कार्य के लिए, एक व्यक्ति ने ये मुझे श्लोक बताया, आप हरे कृष्णा मंत्र जप कर रहे हैं, किसने देखा है अगला जीवन, जब तक जीते हो सुख से जियो, कुछ भी करो, घृतम पिबेत यावत जीवेत, चार्वक मुनि ने बताया है। देखिए, तो ये कलयुग का प्रभाव है। और यहां पर हम देख सकते हैं वैदिक सभ्यता कैसी थी, मनुष्य जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। इट वॉज नोन टू एवरीवन। राजा है महाराज दशरथ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं,
बट ही हैज नॉट फॉरगॉटन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, लेकिन मनुष्य जीवन में क्या महत्वपूर्ण है वो नहीं भूले। इसलिए विश्वामित्र मुनि से पूछ रहे हैं, जिस कार्य के लिए तुम जंगल में तपस्या कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, क्या उसमें सफलता मिली? क्या तुम्हें पुनर्जन्म के ऊपर विजय की प्राप्ति हुई? ये वैदिक सभ्यता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट लेसन हम रामायण से समझ सकते हैं। भगवान राम के विषय में बताया जाता है, भगवान कृष्ण उनके असंख्य अवतार हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोत भुवनेशु किंतु कृष्ण संभवा परमः पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो भगवान बड़े ही दया करके अनेकों अवतार में, अवतार का मतलब होता है अवतरण, भगवान को इस भौतिक संसार में आने की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से राजा को प्रिजन हाउस, जेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार प्रेसिडेंट या राजा स्वयं प्रिजन हाउस में जाता है, जेल में जाता है, ये देखने के लिए कि किस प्रकार से ये कैदी धीरे धीरे अपना जीवन बदलाव करके ये भी एक नॉर्मल सिटीजन बन जाएं। इसी प्रकार भगवान के असंख्य अवतार हैं और वो इस भौतिक संसार में आते हैं, हमें क्या करना चाहिए जिसके द्वारा इस पुनर्जन्म से हमारी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे राम है, नरसिम्हा है, भगवत गीता का श्लोक किसे याद है? भगवान कहते हैं संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। तो भगवान जो हैं भौतिक संसार में आते हैं हमें धर्म समझाने के लिए। जैसे जैसे अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की ग्लानि होती है, धर्म घट जाता है, हर एक युग में भगवान अवतार लेकर के आते हैं। इसी प्रकार भगवान स्वयं राम के रूप में इस धरती के ऊपर आए। तो एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान को हमेशा उनकी अंतरंग शक्ति के साथ में उनकी पूजा की जाती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना, हम केवल शक्ति पूजक नहीं हैं, शक्ति और शक्तिमान दोनों की उपासना साथ साथ में होती है। जैसे आपने हमेशा देखा होगा, हम कहते हैं सीता राम, पहले हम भगवान की अंतरंग शक्ति को संबोधित करते हैं, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्णा, यही तरीका है भगवान की उपासना करने का। भगवान की बहुत सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन भगवान की जो अंतरंग शक्ति है उनके साथ में भगवान की उपासना की जाती है।
भगवान की एक दूसरी शक्ति भी है जिसे बहिरंगा शक्ति कहते हैं। दुर्गा वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। भगवान की उपासना अंतरंगा शक्ति के साथ में की जाती है। अंतरंगा शक्ति में भी तीन डिवीजन होती है, संधिनी, समवित और हल्लादिनी। संधिनी का मतलब होता है सत, समवित का मतलब होता है चित और हल्लादिनी का मतलब होता है आनंद। आपने सुना होगा ना, सत चित आनंद। तो भगवान की तीन प्रकार की अंतरंगा शक्ति होती है। एक अंतरंगा शक्ति जिसके द्वारा भगवान सत हैं, सनातन हैं, उनका कोई जन्म नहीं, उनकी कोई मृत्यु नहीं, उसे क्या बोलते हैं, संधिनी या सत। चित का मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज। हमें कंप्लीट नॉलेज तो नहीं है, आपके मन के अंदर में क्या चल रहा है मुझे तो पता नहीं है। मैं सोच रहा हूँ आप बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कब खत्म करेंगे, प्रसाद कब मिलेगा, मुझे थोड़ी पता है, केवल परमात्मा जानता है, भगवान जानता है। इसलिए चित्त, पूर्ण चित्त जो है केवल भगवान में होता है, कंप्लीट नॉलेज। उस शक्ति को क्या बोलते हैं, समवित। और तीसरी जो शक्ति होती है जिसके द्वारा भगवान आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हल्लादिनी, जो श्रीमती राधा रानी है। उन्हीं हल्लादिनी शक्ति का विस्तार सीता माँ है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण और राधा, इसी प्रकार से राम और सीता, राम भगवान कृष्ण के विस्तार हैं और सीता राधा रानी के विस्तार हैं, जिनके द्वारा भगवान को आनंद प्रदान किया जाता है। तो ये जो इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए बिना भगवान की अंतरंगा शक्ति की कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, डायरेक्ट एंट्रेंस नहीं है। जब तक हमें श्रीमती राधा रानी या सीता मैया की कृपा प्राप्त नहीं होती है या माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है, हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए देखिए, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, ये जो हरे कृष्ण मंत्र है आप उसमें देखिए, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे का मतलब होता है भगवान की अंतरंगा शक्ति, श्रीमती राधा रानी, माता लक्ष्मी, माता सीता, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है। हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भगवान की सेवा में लगाओ, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देखिए अब यहाँ पर दो चीजें समझनी बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया, भगवान की प्राप्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा मात्र होती है, डायरेक्टली नहीं होती है। एक और मेंटेलिटी है लोगों की, आसुरिक मेंटेलिटी, डिमोनियक टेंडेंसी, रावण की थी। अब देखिए दोनों में कितना अंतर है, रावण की मेंटेलिटी, हनुमान की मेंटेलिटी। ठीक है, हम लोग किसकी मेंटेलिटी लेना चाहते हैं, भक्त हनुमान की या असुर रावण की? हनुमान की, है ना। देखिए हनुमान
हमेशा चाहते थे, सीता माता भगवान राम के साथ में रहे। सीता शुड बी यूनाइटेड विद लॉर्ड रामा। उसके लिए उन्होंने अपनी जान तक जो है, ही इवन पुट हिज लाइफ ऑन रिस्क। लंका में जाकर के उन्होंने जो है अपने ऊपर इतना बड़ा रिस्क तक लिया अपनी जान के ऊपर, केवल इसलिए कि माता सीता दोबारा राम के साथ में आ सके, उनकी सेवा में लग सके। रावण की मेंटेलिटी देखिए, राम और सीता को अलग करना चाहता है, अलग करके सीता का अपहरण करना चाहता है। ही वॉन्टेड टू किडनैप सीता। और क्या करना चाहता है? किडनैप करके भोगना चाहता है। सीता इज मेंट फॉर माई इंजॉयमेंट, ये रावण की मेंटेलिटी है। हनुमान की क्या है? सीता इज मेंट फॉर लॉर्ड रामा, है ना? देखिए कितना अंतर है। रावण जो है राम और सीता को अलग करना चाहता है और सीता को भोगना चाहता है। हनुमान जो है राम और सीता को एक करना चाहते हैं, उनको मिलन करना चाहते हैं, उनका मिलन। तो ये अंतर होता है। तो इसी प्रकार से हमें समझना है, लक्ष्मी जो है जिससे हम इतने आसक्त हैं, पैसा, लक्ष्मी है ना, वो हमारी इंजॉयमेंट के लिए नहीं है। जो भी लोग पैसे को, लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाने को छोड़ करके अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, उनकी मेंटालिटी आसुरिक है। एक सर्वेंट के रूप में, सेवक के रूप में भक्त जो है केवल प्रसाद, जिसे भगवान की कृपा बोलते हैं, वो ग्रहण करता है, भोगता नहीं है। प्रसाद को ऑनर किया जाता है, भोगा नहीं जाता है। बहुत अंतर होता है। तो ये जो है दूसरा लेसन हम रामायण से समझ सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति को भोगना चाहता है, उसके लिए वही भगवान की अंतरंग शक्ति दुर्गा का रूप धारण करती है। चाहे वो रावण हो, चाहे वो महिषासुर हो, हमने देखा है मां दुर्गा के हाथ में क्या है? त्रिशूल। और कौन सी माला पहनी है? असुरों के सरों की, कटे हुए सरों की माला। अपने शेर के ऊपर बैठ करके त्रिशूल लेकर के महिषासुर का वध कर रहे। तो जिनकी मेंटालिटी आसुरिक है, जो भगवान की अंतरंग शक्ति को भोगना चाहते हैं, वो भगवान की अंतरंग शक्ति उस समय दुर्गा का रूप धारण करके उनका विनाश का कारण बनती है। कितने को भी देख लीजिए, हिटलर को देख लीजिए, नेपोलियन को देख लीजिए, जिन्होंने भी चाहा धन दौलत सुख के द्वारा एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनकी अंतिम गति क्या हो? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन हम रामायण से सीख सकते हैं। तीसरा, एक्चुअली रामायण से हम लगभग 100 के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण
पाठ समझ सकते हैं। एक 10 मिनट में हम खत्म करेंगे, एक 2-3 और इम्पॉर्टेंट लेसन जो हम अपने जीवन में सीख सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान राम उन्होंने जब सब कुछ त्याग कर दिया और 14 वर्ष का वनवास ले लिया, उस त्याग के द्वारा भी भगवान जो है, भगवान का संपूर्ण ऐश्वर्य भगवान जो है प्रदर्शित करते हैं। पराशर मुनि की परिभाषा के अनुसार भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। देर आर 6 ऑपुलेंसेस। ऐश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नम भग इतिंगण। उसमें देखिए वैराग्य भी है, भगवान के पास में कंप्लीट वेल्थ भी है, कंप्लीट नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, लेकिन साथ साथ में वैराग्य भी है। इस भौतिक संसार में बड़ा मुश्किल है, अगर कोई व्यक्ति धनवान है और उससे कहा जाए भाई तुम सारी वेल्थ लुटा दो, लोगों को दान में दे दो, दे देगा? बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान जो है उन्होंने अपने राम के अवतार में पूर्ण वैराग्य ये भी प्रदर्शित किया, जिसे पता चलता है कि वो भगवान है। आपको तो कथा पता है, माता केकई, उन्होंने महाराज दशरथ की युद्ध के समय में कुछ सहायता की थी। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए और केकई से कहा, तुम कुछ भी वर मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो केकई ने कहा कि मैं तुमसे 2 वर मांगना चाहती हूं, लेकिन अभी नहीं, जब सही समय आएगा उस समय मैं वो 2 वरदान प्राप्त करूंगी। तो दशरथ महाराज ने कहा ठीक है, जब सही समय आएगा उस समय तुम वर ले लो। तो अब महाराज दशरथ जो है रिटायर होना चाहते थे, वानप्रस्थ लेना चाहते थे, उनकी आयु बीत गई थी। आजकल के पॉलिटिशियन की तरह नहीं, 80 साल हो गए, हाथ में लाठी, चलने को भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जो गद्दियों पर बैठे हुए हैं, ये वैदिक सभ्यता नहीं है। एक एज होती है, एक उम्र होती है, जिसके बाद भौतिक जिम्मेदारी हमें बाकी लोगों को सौंप करके अपना समय केवल भगवान के लिए लगाना चाहिए। लेकिन आज तो हम लोग नहीं देखते, मरते दम तक भी लोग हाय पैसा कैसा चल रहा है, अभी भी मेरा बिजनेस, लोग बोलते हैं ना बूढ़ा हो जाऊंगा तब करूंगा, लेकिन वो समय कभी आता नहीं है। तो महाराज दशरथ जो है उन्होंने घोषणा कर दी, पूरे राज्य में फेस्टिवल मनाया जा रहा था धूमधाम के साथ में, सारे लोग प्रसन्न थे कि दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम, उनका अगले दिन राजाभिषेक है, उनको राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। और महाराज दशरथ जो है अब वानप्रस्थ लेने वाले हैं। केकई ने वो दिन आने से पहले, एक दिन पहले महाराज दशरथ को याद दिलाया, महाराज आपने कहा था कि आप मुझे 2 वर देंगे, अब वो समय आ गया है, मैं वो वर मांगना चाहती हूं।
तो पहला वर मांगा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र राम, उनका राजाभिषेक नहीं होगा, मेरे पुत्र भरत का राजाभिषेक होगा। तो दशरथ महाराज कंप्लीटली शॉक्ड, उनका तो हृदय टूट गया। किस प्रकार का वर मांगा है? सारी जनता जो है वो राम से इतना प्रेम करती है कि ये बदलाव कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? लेकिन देखिए, महाराज दशरथ क्षत्रिय थे। क्षत्रिय जो है, अगर उसने वचन दे दिया है, नेवर, जीवन चला जाए लेकिन जो वचन दिया है वो नहीं जाता। एक कहावत है ना, क्या बोलते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो महाराज दशरथ इस प्रकार के थे। आजकल क्या है, प्राण बच जाए सब चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा वर उन्होंने मांगा, क्योंकि केकई को चिंता थी, उनको पता था राम बहुत लोकप्रिय है, ही इज वेरी फेमस, एवरीबडी वॉन्ट्स हिम टू बी द किंग। तो अगर कुछ समय के पश्चात राम अगर यहां पर रहे तो सेना बना लेंगे और हमारे प्रति, भरत के प्रति करेंगे, और तख्ता पलट करके ही विल टेक ओवर। तो उन्होंने कहा, इसलिए राम को 14 वर्ष वनवास। तो आप समझ सकते हैं, दशरथ महाराज को राम जो प्राण से भी ज्यादा प्रिय थे, उनकी क्या दशा होगी। बट क्षत्रिय की स्पिरिट देखो, उन्होंने सोचा जाने तो अब क्या करना है, प्राण तो मेरा जाएगा, क्योंकि राम गए उनका प्राण गया, उनको पता था। फिर भी उन्होंने राम को बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हारी माँ केकई को ये दो वचन दिए हैं। और देखिए, राम भगवान जो है विरोध कर सकते थे, अरे पिताजी आपने वचन दिए, मैंने थोड़ी दिए, मैं तो वचन तोड़ सकता हूं, कह सकते थे। वो कह सकते थे कि पिताजी आप क्या कह रहे हैं, सारा राज्य सब कुछ रेडी है, कल मेरा राजाभिषेक होने वाला है, सब कुछ रेडी है, और लास्ट मोमेंट में आप कह रहे हैं वनवास चले जाओ सब छोड़ करके। तुरंत उन्होंने जो है अपने राजकुमार के वस्त्र त्याग किए और वनवास के लिए चलने के लिए तैयार हो गए। उसी समय लक्ष्मण, जो हमेशा भगवान राम के कांस्टेंट कंपेनियन थे, उन्होंने कहा कि भगवान मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगा। और माता सीता ने भी कहा कि आप जहां जाएंगे वही मेरी गति है। माता सीता भी कह सकती थी, वनवास तो आपको मिला है, मुझे जाने की क्या जरूरत है, मैं यहीं पर रहूंगी आराम के साथ में। या फिर वो ये भी कह सकती थी, मुझे महाराज जनक के पास में वापस भेज दो, कुछ समय के लिए चले, राम को 14 वर्ष वनवास काट के आने दो। ये देखिए, जितनी माता सीता, जितनी उनकी फेथफुलनेस थी, जितना उनको भरोसा था, उतना ही भरोसा भगवान राम को सीता के लिए था। राजा के लिए उस समय में अनेकों रानियों के साथ में विवाह करने की कोई मुश्किल नहीं थी,
भगवान राम स्वयं भगवान है, एक सीता नहीं, सहस्र लक्ष्मी। भगवान की सेवा में हजारों लक्ष्मियां लगी हैं, एक नहीं। लेकिन जिस प्रकार से माता सीता, उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया राम भगवान के साथ में जाने के लिए, कि आपकी प्रसन्नता में भी मैं आपके साथ में हूं, आपके दुख में भी मैं आपके साथ में हूं, उसी प्रकार से भगवान राम ने एक सीता के लिए पूरी लंका को जला करके राख कर दिया। तो ये भगवान का हम इसके द्वारा पूर्ण वैराग्य भी देख सकते हैं, किस प्रकार से बिना कुछ विरोध किए पिताजी ने जो कहा उसके कहे अनुसार तुरंत जो है भगवान तैयार हो गए वनवास के लिए। टाइम हो गया, आरती भी है और बहुत कुछ है, कभी और समय मिलेगा तो और अधिक हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण, श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान की, जगद्गुरु शीला प्रभुपाद।